हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। और मुझसे कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर, हम कहाँ पर घर लें या प्लॉट ख़रीदें, यमुना एक्सप्रेसवे पर जो अथॉरिटी वाले प्लॉट्स हैं उनको, या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं या घर हैं उनको। तो देखिए, मैं अपना यहाँ पर ओपिनियन देना चाहूँगा, बाकी चॉइस तो आपकी है। रहने के लिहाज से देख रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा बेस्ट है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देखना चाहते तो यमुना बेस्ट है, क्योंकि उससे बेस्ट तो फिर कोई हो ही नहीं सकता। आपको वहाँ पर एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा मिलेगा तगड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यमुना का जो रेट है वो ग्रेटर नोएडा से आगे निकल जाएगा, डेफिनेटली बीट कर देगा। तो अभी रेट काफ़ी डाउन चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं सेक्टर 18 और 20 में। 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लेने जाते हैं तो 2 करोड़ में जनरल प्लॉट अनरजिस्टर्ड इस समय आ जाता है आपको, और लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है, आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको ये रेट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्कीम की वजह से जो रेट भी डाउन हुआ है, जो रुका हुआ है एक तरीके से, जो थोड़ा बहुत डाउन आया है वो स्कीम की वजह से आया है। अदरवाइज़ यहाँ पर रेट आपको पता है कि 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले आप देखेंगे कि रेट इतने ऊपर भगा दिए गए थे, बहुत ऊपर पहुँच गए थे, और वो इतनी गिरावट 50-60 लाख रुपए की गिरावट है इस समय मार्केट में। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा जो कब से बसा हुआ है, कब से लोगों को प्लॉट यहाँ पर मिले हुए हैं, लेकिन अभी तक बसावट हुई नहीं है यहाँ पर, ये खाली पड़ा हुआ है। कई सेक्टर तो ऐसे हैं जो भूतिया लगते हैं बिल्कुल, हमने अपने वीडियो में दिखाया भी था आपको, चाई फोर दिखाया था, कंप्लीशन बने हुए हैं सिर्फ, इतने बड़े बड़े प्लॉट्स काट रखे हैं कि वहाँ कोई रहने ही नहीं आया है। जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो रहने ही नहीं आ रहे हैं, तो जब अभी रहने नहीं आए तो क्या वो 1-2 साल में 10 साल में भर जाएंगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी भर जाएँ वो, क्योंकि धीरे धीरे कोई एक प्लॉट बनाएगा फिर दूसरा बनाएगा, तो लोग देख कर आएंगे, तब उसके बाद जाके बनाएंगे। तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे पड़े हैं जो भरे ही नहीं हैं, और मुझे लगता है कि ये कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि यमुना में जो कमी है वो देखिए लाइट की और पानी की है, वहाँ पर लाइट और पानी नहीं है इस समय, थोड़ा ट्रांसपोर्ट का भी इशू है। तो अगर ये चीज़ें, अगर तीनों चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली वहाँ पर बसावट स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो ग्रेटर नोएडा है ना, मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन, खाली का खाली रहेगा, कुछ भर जाएगा, कुछ सेक्टर्स हैं जो भर जाएंगे, और बाकी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं ना जो भूतिया पड़े हैं, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनमें कुछ बसावट हो भी सकती है। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट के पास हर कोई रहना चाहता है, जाहिर सी बात है, मैं कोई बहुत पास की बात नहीं कर रहा हूँ, एयरपोर्ट भी वहाँ से 18-20 से काफ़ी दूर है, कोई बगल में एयरपोर्ट नहीं है कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा या कुछ होगा, तो वो भी काफ़ी डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है, 12-15 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो कोई पास भी नहीं है इतना। लेकिन यहाँ अगर ग्रेटर नोएडा से देखेंगे तो काफ़ी दूर है वैसे, है ना, तो लोग कोई जो आगे अगर वहाँ पर चीज़ें फैसिलिटीज़ वगैरह आ जाएंगी, चीज़ें रहेंगी वहाँ पर, तो कोई यहाँ क्यों रहेगा? मुझे एक बात बताइए, हर कोई वहाँ पर ही रहना चाहेगा। और मुझे ये पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, इनमें से भी बहुत सारे लोग बेच के और यमुना पर ही देखना अपना घर बनाएंगे, वहीं ख़रीदेंगे लोग, एक बार एयरपोर्ट वगैरह सब चालू हो जाए और जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से होगा। तो देखना कि यहाँ पर लोग यहाँ से खाली करके और यमुना की तरफ ही शिफ्ट होना चाहेंगे। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखिए यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने जो घर इन्वेस्टमेंट अपनी यमुना में कर रखी है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, उन्होंने प्लॉट किसी के पास, जैसे यहाँ पर 2-3 प्लॉट थे तो या घर थे, तो उन्होंने एक ही बेच के और वहाँ पर यमुना पर 1-2 प्लॉट और ख़रीद के डाल रखे हैं फ्यूचर के लिए। तो जब इन फ्यूचर क्या होगा, या तो वो यहाँ पर रेंट आउट करेंगे उसे, या फिर बेचेंगे, 2 ऑप्शन ही होंगे, और उसके बाद वो खुद जाकर वहाँ पर बसेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोग वहीं जाकर ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि अगर फिल्म सिटी जो अभी चल रहा है वो भी स्टार्ट हो जाए बनना, तो देखिए कितनी चीज़ें हैं वहाँ पर जो रहेंगी, रोज़गार बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, हर चीज़ वहाँ, क्योंकि प्लांड सिटी है और सिटी वो बस रहा है नया, तो देखिए टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है कि यमुना को बनने में टाइम लगेगा, यमुना शहर को बसने में, क्योंकि नया शहर बसने में टाइम लगता है। आप ग्रेटर नोएडा को देख लीजिए कि आप कब से देख रहे हैं, और तब जाकर यहाँ पर अभी जाकर इतनी बसावट हो पाई है एक नए शहर बसने में। तो यमुना पर भी जाएंगे आपको तो 15-20 साल मान कर चलिए टाइम होराइज़न, इतना तो रहना ही है, 15-20 साल आराम से लगेंगे
ये है कि एक बार लाइट और पानी आ जाए तो थोड़ा काम जो है स्पीडली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जल्दी तेज़ी से चलेगा काम, और पहले कम्प्लीशन बनेंगे, फिर वहाँ पर लोग रहने भी लगेंगे, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो वहाँ पर उन कम्प्लीशंस में रहने लगेंगे, और जब रहने लगेंगे, लोग आने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है और लोगों की भी हिम्मत होगी रहने की, और वो लोग भी रहेंगे वहाँ पर। तो चीज़ें बस इंतज़ार है चीज़ों को होने का। अभी जो सस्ते में चीज़ मिल रही है वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर देखिए रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना है। आप मान लीजिए कि अभी इस समय नोएडा वगैरह में जाते हैं आप, रेट देखेंगे ना तो 3-3 लाख स्क्वायर मीटर रेट चल रहा है। आप सोचिए अगर अगर एयरपोर्ट के पास है तो जाहिर सी बात है रेट तो बढ़ेगा, एयरपोर्ट उसके अलावा उसके पास में देखिए फिल्म सिटी भी रहेगा तो रेट डेफिनेटली इतना तो पहुँच ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो सोचिए आपकी जो प्रॉपर्टी 300 स्क्वायर मीटर की है वो कितना करोड़ तक जाएगी, 9-10 करोड़ तो ऐसे ही मान के चलिए, इतना हो सकती है आगे चल के, और उससे भी ऊपर जाने की गुंजाइश है। तो मौका अच्छा है आपके पास, आप यमुना पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम होराइजन का ध्यान रखिएगा, अभी वहाँ पर कुछ नहीं है, इन फ्यूचर बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप क्योंकि देखिए जो आप सोचिए कि 2009 में जो अलॉटमेंट हुई थी और उनकी रेट जाकर अभी आपको उतने से अभी जाकर आपको कितना अप्रिसिएशन मिला है, आप सोचिए जिन लोगों ने 2020 में भी यहाँ पर यमुना में प्लॉट ख़रीदा होगा, 2021 में ख़रीदा होगा, आप सोचिए उनको अप्रिसिएशन मिला होगा कि नहीं। 2020 में रेट करीब मुझे लगता है 40 लाख के आसपास चला था 300 स्क्वायर मीटर का, और 2021 में करीब 50 लाख के आसपास था। तो देखिए आप सोचिए 50 लाख का जो माल है आज की डेट में आपका 2 करोड़ का हो रखा है इस समय, तो अप्रिसिएशन कितना मिला है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी मान के चलिए 3-4 साल में आपको इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है। अभी जो अप्रिसिएशन मिला है ये तो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि अगर आप अभी भी ख़रीद लेते ना, ये भी कोई ख़राब टाइम नहीं है। आप अगर ऐसा सोचें कि नहीं यार बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी इतना ज़्यादा रेट है नो डाउट। मिडिल क्लास बजट उनका ख़राब हो चुका है, क्योंकि बहुत इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट होते हैं, लोन वगैरह मिलता नहीं है, उनका बजट तो वैसे भी ख़राब हो रखा है। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी के पास बजट है, पैसा है इतना, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, और आगे चलकर इसका अप्रिसिएशन आप सोचिए और कितना ज़्यादा मिल सकता है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए अगर रहना है अभी तो आप ग्रेटर नोएडा चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा है, आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें यार यमुना में भी आप सोच रहे हैं कि ले लें हम ग्रेटर नोएडा में भी रह लें, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फिर ग्रेटर नोएडा में रेंट पर रहिए अगर रेंट अफोर्ड कर सकते हैं या जो भी, और यमुना में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आपकी वहाँ पर देखिए खाली प्लॉट हैं, रिटर्न अच्छा मिलेगा वहाँ पर, जाहिर सी बात है। ग्रेटर नोएडा में भी अभी देखिए इस समय रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वैसे भी आपको पता है बढ़ेंगे आगे चलकर, लेकिन यमुना के रेट मुझे लगता है डेफिनेटली बीट करेंगे इसको। ये ऑप्शन भी मैंने जो आपको बता रहा हूँ वो भी कर सकते हैं कि आप लेना चाह रहे हैं तो अगर आपका बजट है उतना, क्योंकि देखिए इतने बजट में अगर ग्रेटर नोएडा में देखेंगे तो आपको करीब आज की डेट में 200 मीटर में जाते हैं, आप 200 मीटर में लेंगे कोई डेल्टा 2 वगैरह में जाना चाहेंगे जो डेवलप सेक्टर हैं, तो 200 मीटर की रेट करीब आज की डेट में मुझे लग रहा है 2 करोड़ 50 लाख के आसपास या 2 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट होगा एक जनरल प्लॉट कम्प्लीशन वाला, और आप इतने में रहेंगे, फिर उसके बाद कम्प्लीशन वाला मिलेगा आपको, उसको बनाएंगे उसमें भी खर्चा करीब मुझे लग रहा है 1 करोड़ का खर्चा तो उसमें भी लग ही जाएगा कम से कम, तो उसे बनाएंगे रहेंगे कितना पैसा हो गया। वहीं आप देखिए कि 2 करोड़ में आपको 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिल रहा है, आपको 100 स्क्वायर मीटर ज़मीन ज़्यादा मिल रही है, वो भी आपको 50-60 लाख रुपए कम देने पड़ेंगे। तो आप खुद सोचिए आपकी जो रेट है उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होगा आपका, कहाँ आप 200 के हिसाब से चलिए और 300 के हिसाब से चलिए तो रेट उसी हिसाब से डिवाइड होगा। तो मुझे मालूम है कि अगर ये सोचते हैं तो आपको डेफिनेटली रेट ज़्यादा मिलेगा वहाँ का। जैसे बोलते हैं ना शेयर मार्केट में जैसे गिरावट का फ़ायदा उठाइए, जब कोई शेयर नीचे गिर जाता है तो उठाने का मौका होता है, उसी तरीके से अभी आपके पास मौका अच्छा है कि मार्केट में गिरावट है तो आप उठा लीजिए और आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा उसका, क्योंकि अगर पीक पे उठाएंगे जाके तो फिर तो आपको अप्रिसिएशन फिर कम मिलेगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।